हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लिफ्टी की जो देखें, लिफ्टी 20,000 पार कर गई है। इसके लिए सभी को बधाई दोस्तों। 20,000 पार कर गई है तो सबको खुशी भी हो रही, इन्वेस्टरों को अच्छा लाभ भी हो रहा होगा। तो दोस्तों वही हम जो देखें, जो मार्च 2023 में देखे हम, 16,972 रुपये थी हमारी लिफ्टी। जो उस टाइम कोई बोलता था कि जब 14,000 आएगी या 15,000 आएगी या फिर 12,000 आएगी, उस टाइम में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी वो बहुत ज्यादा पछता रहा होगा कि मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता तो आज मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। अभी वो सोच रहा होगा मैंने गलती किया, उस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आज अच्छे अच्छे स्टॉक जो देखे, क्वालिटी वाले स्टॉक है, सब मैक्सिमम बढ़ रहे हैं। जिसने उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और पेशेंस करके बैठ गया, ये नहीं जल्दबाजी नहीं किया और पेशेंस करके बैठ गया, आज उसके स्टॉक उसके मल्टीबैगर रिटर्न दे रहे होंगे। पर दोस्तों आपने अभी भी ये नहीं सोचना कि 20,000 के पार कर गया है निफ्टी, आपने इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है अच्छी क्वालिटी स्टॉक में। क्या आप कल को 22,000 पे चली जाए या 21,000 पे चली जाए या 30,000 पे चली जाए, इसके बारे में बहुत कम ही जाना जाता है। ये कब कहां बढ़ जाएगा किसी को पता नहीं है। एक तो आपने अभी भी अच्छी क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा, तभी आप आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं। अगर 20,000 पार कर गए तो अच्छा है, अगर कम आ गई तो भी आपने इन्वेस्टमेंट करते रहना है, आपने करना नहीं छोड़ना है। दोस्तों ये तो गया इधर उधर की बात। उसके बाद हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, प्लस उसका बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। ये दोस्तों जो कंपनी है पेंट निर्माण करती है, जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1923 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। जो ये कंपनी बनाती थी सजावटी पेंट बनाती है, उससे कंपनी 80 से 85% की इनकम जनरेट होती है। जो कंपनी का नाम है दोस्तों बर्जन पेंट इंडिया लिमिटेड। जिसके क्लाइंट देखे, क्लाइंट भी कंपनी के पास अच्छे हैं, जैसे टाटा मोटर हो गया, अशोक लैंड हो गया, प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, प्लस हीरो मोटर्स हो गया और रॉयल फील्ड। इससे अलग भी काफी क्लाइंट है कंपनी के पास। जो बाजार में कंपनी की स्थिति देखे हम, देखो भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पेंट की कंपनी है और एशिया के अंदर देखें चौथे नंबर की कंपनी है और दुनिया में देखे देखे दोस्तों 7वें नंबर की सबसे बड़ी सजावटी पेंट में नंबर 7वें नंबर की कंपनी है। जो कंपनी का हम नेटवर्क देखें, जो भारत में पूरे भारत में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, जो 50,000 तो डीलर और रिटेलर है कंपनी के पास और 180 स्टॉक पॉइंट है कंपनी के पास। जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखे हम, कंपनी जैसे रूस, नेपाल, बांग्लादेश और यूरोप कि 8 देशों में कंपनी की उपस्थिति है, जहां से अपना बिजनेस भी संचालित करती है और यहां से कंपनी को 8% की इनकम जनरेटर भी होती है। जो कंपनी के हम प्लांट देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें, 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास। जो देखो नेपाल में 2 प्लांट है कंपनी के, पोलैंड और रूस में 1 प्लांट है कंपनी का। देखो यहां पर एक अच्छी बात है, विदेशों में कंपनी के प्लांट है। जो कंपनी आने वाले टाइम में अपना विस्तार करने वाली है, देखो यूपी में कंपनी ने एक प्लांट लगाया है, यहां पर कंपनी 900 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें से 745 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी कर दिया कंपनी ने और यहां पर 2023 के लास्ट में ये प्लांट चल भी जाएगा मैक्सिमम, जो कंपनी की संभावना है। प्लस उसके बाद सुनचारी में इसका एक प्लांट है, वहां पर अपने प्रोडक्शन को ये दुगना करेगी कंपनी। ये तो देखो ये इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर प्लांट चल जाएगा तो स्टॉक भागेगा, तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा उसको आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न तो जरूर मिलेगा। जो हम कंपनी का मार्केट कैप देखें, 69,651 करोड़ का मार्केट कैप है। जो स्टॉक पे 72, जो बुक वैल्यू है कंपनी की 40.3, जो आरओसी, देखो आरओसी आरओई बहुत अच्छी बढ़ रही है कंपनी की। जो आरओसी देखें 23.3, जो आरओई है 20.4, जो ये डिविडेंड देखो डिविडेंड भी कंपनी अच्छी दे रही है, 0.44 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, जो फेस वैल्यू एक कंपनी की। जो हम वही सेल एंड ग्रोथ एक कंपनी की, 10 साल में 13%, 5 साल में 15% और 3 साल में 18% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही प्रॉफिट ग्रोथ देखिए हम, 10 साल में 15%, 5 साल में 14% और 3 साल में 10% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो हम कंपनी का सीजीआर देखें, 10 साल में 25% से बढ़ा है, 5 साल में 18% से और 3 साल में 8% से और 1 साल में भी 8% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। जो वही हम कंपनी के पास रिजर्व देखें, रिजर्व भी ठीक ले रही है कंपनी। और जो कंपनी 4,397 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है और जो बोरिंग है 1,189 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो हम क्वार्टी जेट देखें कंपनी का, देखो क्वार्टर रिजल्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, पिछला क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है, आने वाला क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है कंपनी का।
देखो मार्च में 2444 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही जून में 3030 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को क्वार्टर रिजल्ट में। जो नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का 186 करोड़ का था, वही अभी जो जून का रहा 355 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का। जो लॉन्ग इन्वेस्टर करते हैं, जो लॉन्ग इन्वेस्टर कंपनी में करते हैं लंबे समय के लिए जो रुके रहते हैं, देखो वहां का लॉस एंड प्रॉफिट देख लेते हैं। साल के लिए 2022 में 8162 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 में 10568 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखे हम कंपनी का 833 2022 में था, वही 2023 में 860 का नेट प्रॉफिट रहा कंपनी को। देखो यहां पर नेट प्रॉफिट साल के लिए तो अच्छा बढ़ा है। जो वही हम देखें तो देखें हम क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा रहा है, प्लस साल के लिए भी लॉस प्रॉफिट भी ठीक रहा है कंपनी का। जो हम प्रमोटरों की होल्डिंग देखें कंपनी में, 75% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है। जो FL की होल्डिंग रही 10.83, जो DL की होल्डिंग रही 3.75, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है 10.42 की पब्लिक की होल्डिंग रही है। देखो यहां पर कंपनी में प्रमोटर ने बहुत अच्छी होल्डिंग कर रखी है 75% की। जो शेयर प्राइस चल रहा है कंपनी का 717 शेयर प्राइस चल रहा है। जो एक साल का रिटर्न दिया कंपनी ने 9%, जो 5 साल का रिटर्न दिया, देखो दोस्तों 5 साल का रिटर्न ना 130% का 5 साल का रिटर्न दिया कंपनी ने, इतना अच्छा रिटर्न दिया 5 साल का। देखो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूं अच्छे स्टॉक में अगर थोड़ा सा भी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रुक जाएंगे, पेशेंस रख लेंगे तो कंपनी आपको निराश नहीं करेगी, अच्छा रिटर्न देगी। अगर 5 साल के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते तो 130% का रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3-4% की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आप लेके चल सकते हैं लंबे समय के लिए, कि स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करने से लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का ना कोई पैसा लगता है ना कोई और कुछ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।